हेलो दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि जब विधि अंबा को सी ऑफ करने के लिए जाएगी तो यहाँ पर विधि को जेलस फील कराने के लिए वो विधि को बहुत सारा थैंक्स कहेगी, क्योंकि विधि की वजह से ही आज सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। और सबसे पहले विधि ने ही अंबा को मिसेस देवराजन कहकर बुलाया था, तो यहाँ पर वो विधि को रियलाइज कराना चाहती है कि फाइनली अंबा की जीत हो चुकी है और विधि की हार हो चुकी है। लेकिन विधि उसका सारा मतलब समझ जाएगी और वो अंबा से कहेगी कि अगर आप देव सर को हासिल करके खुश हैं तो मैं आपकी खुशी में बहुत खुश हूँ मैडम, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप इतनी खुश हैं तो आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आप अपनी शादी की खुशियाँ क्यों नहीं मना रही, लेकिन आप खुश नहीं है मैडम, आप बस मुझे तोड़ना चाहती हैं। वो कहेगी कि मैं सब समझती हूँ मैम, ये ज्वेलरी शॉप का खरीदना और ये मिठाई ढोल नगाड़े ये सब कुछ मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। लेकिन यहाँ पर विधि अंबा को एक बात क्लियर कर देगी कि इन सब चीजों का उस पर बिल्कुल भी असर नहीं होने वाला। यहाँ पर विधि अंबा को ये भी बता देगी कि उसने अपने मन की बात देव को बता दी है, लेकिन देव के कोई भी जवाब ना देने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने देव से रिटर्न में कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं की है। अब यहाँ पर अंबा विधि के कन्फेशन से काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि जब भी अंबा विधि को तोड़ने की कोशिश करती है तो विधि एक नए कॉन्फिडेंस के साथ सामने आ जाती है। अब यहाँ पर तो अंबा को साफ साफ पता है कि देव ने विधि को कोई भी रिप्लाई नहीं किया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी विधि इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। तो भाई यहाँ पर अंबा चली तो थी विधि को जलाने, लेकिन विधि के कॉन्फिडेंस के आगे अंबा का ही घमंड चूर चूर हो जाता है।